फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल। तो अभी बजे हैं शाम के 5, और शाम के 5 बजे हैं, तो मैं हो रही थी बहुत ज़्यादा बोर। मैं बोर इसलिए हो रही थी क्योंकि अब लॉकडाउन है तो कुछ करने के लिए है नहीं। पढ़ाई मैंने कर ली है और क्या करें, अब पूरा दिन पढ़ाई भी नहीं कर सकते, तो लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं। तो मैंने सोचा आज कुछ क्रिएटिविटी करते हैं। पिछले उसमें तो मैंने मैगी बना ली थी, तो अब क्या करें, क्योंकि मैगी फिर से बना नहीं सकते और खा ली थी क्योंकि उस दिन। और इस व्लॉग में मैं आज एक फ़ोटो फ्रेम बनाने वाली हूँ। हमारे पास बहुत सारे फ़ोटोज़ रखे हैं, ऐसे ही रखे हैं वो, तो आज मैं एक न्यूज़पेपर से बहुत ही ज़्यादा इजी फ़ोटो फ्रेम बनाने वाली हूँ। और अगर आप उसको ट्राई कर सकते हैं, अगर आप बनाना चाहते हैं और आप भी मेरे की तरह लॉकडाउन में घर में बोर हो रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो उसके लिए हमें सिर्फ न्यूज़पेपर चाहिए, फेविकोल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें उसके लिए। और फ़ोटो तो होगी, जो बनाएगा उसके पास फ़ोटो तो होगी, तो वो आप बना सकते हैं। तो आज मैं वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि वो मैं फ़ोटो फ्रेम कैसे बनाऊँगी। बहुत सुंदर फ़ोटो फ्रेम बनता है। मैंने एक बार पहले बनाया है, वो पीहू और रूही की फ़ोटो का बनाया था और वो बहुत सुंदर बना था। तो आज भी मैं वो बनाने वाली हूँ अपनी फ़ोटो का। पहले मैं फ़ोटो चूज़ करूँगी कौन सी लगानी है, फिर उसी के साइज़ से मैं बनाऊँगी। और आप भी देख सकते हैं कि वो मैं कैसे बनाती हूँ। तो उससे पहले ये देखो, आज मैंने बनाई, मतलब मैंने पहनी है एक ड्रेस, ये चाचा जी ने बनाई है। और इस पूरी जो मैंने ड्रेस पहनी है, इसकी मैं यहाँ पर फ़ोटो लगा दूँगी। तो जो ये ड्रेस है, ये मेरी चाची जी ने बनाई है, मतलब जंप सूट टाइप है। और अगर आपको ये ड्रेस को देखना है तो आप चंडीगढ़ बुटीक पे डली है इसकी वीडियो, तो आप चंडीगढ़ बुटीक पे जाके देख सकते हो कि ये कैसे बनाई है। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये आपको ड्रेस कैसी लगी, और अगर कमेंट नहीं करेंगे तो लाइक कर देना। सो फ्रेंड्स, अब हम अपना फ़ोटो फ्रेम बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने लिए हैं कुछ न्यूज़पेपर्स ऐसे, और उनको ऐसे हाफ न्यूज़पेपर्स को ऐसे कट कर लिया है। तो अब मैं बताऊंगी आपको कि ये कैसे बना रहे हो। तो इस फ़ोटो फ्रेम को बनाने के लिए हम एक पहले न्यूज़पेपर ले लेंगे, और ये ले लेंगे हम पेंसिल, और उस पेंसिल को से हमें क्या करना है कि ये हमें ऐसे रोल करते जाना है, ऐसे जो न्यूज़पेपर है ये ऐसे रोल होता जाएगा हमारा। और जब हमारा थोड़ा सा बच जाएगा तो जो फेविकोल होता है उसको लेना है हमने, और फिर ऐसे लगाना है और फिर ऐसे रोल करते जाना है। तो ऐसे ही हमें इस फ़ोटो फ्रेम को बनाने के लिए जो स्टिक हैं, 16 स्टिक्स बनानी होंगी। तो मैं बना लेती हूँ, और फिर मैं सिलाई की हेल्प से, जो सिलाई होती है उसकी हेल्प से, मैं ये पेंसिल है ये बाहर निकालने वाली हूँ इससे। ये देखो, ये निकल गई मेरी पेंसिल। तो ऐसे ही हमें 16 स्टिक्स बनानी है। तो फ्रेंड्स, मैंने 16 स्टिक्स कट कर ली हैं, जैसे बनानी थी मैंने बना ली हैं। और जो 8 स्टिक्स हैं वो मैंने लंबी रखी है थोड़ी ऐसे लगाने के लिए, और जो 8 हैं वो ऐसे रखी है। आप अपने फ़ोटो के हिसाब से बना सकते हैं। और ये देखो, ये है मेरी फ़ोटो। इसमें ये प्रिंसिपल मैम हैं, जो ये ब्लू साड़ी वाली हैं प्रिंसिपल मैम है, कोऑर्डिनेटर मैम, और ये मेरी ड्राइंग टीचर। और ये मेरे को मिल रहा है अवार्ड, और मेरे को देखो मेरा मुँह कैसा था। तब मैं छोटी थी, मतलब जब की आई फ़ोटो, तो मैं ये लगाने वाली हूँ। और आज आपको मैं अपनी बचपन की फ़ोटोज़ भी दिखाने वाली हूँ, तो प्लीज़ ये पूरी वीडियो देखें। तो अब हम क्या करेंगे मैं आपको बताती हूँ। तो अब हम इसको बनाने के लिए, जो पहले हम लॉन्ग स्टिक्स ले लेंगे, जो हमारी लॉन्ग है 8, और ये शॉर्ट को साइड कर देंगे। तो ये लॉन्ग 4-4 में डिवाइड कर लेंगे 2 पार्ट्स में, और इनको एक दूसरे से फेविकोल से स्टिक कर लेंगे। देखो, मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे करना है।
पहले हमें एक स्टिक को ऐसे एक साइड पे भी कोल लगा लेना है। और ऐसे दूसरी स्टिक को पेस्ट कर लेंगे। ऐसे ही हम फोर स्टिक्स को पेस्ट करते जाएंगे। थोड़ा टाइम लगने वाला है बिकॉज ये लेट पेस्ट होती हैं जो स्टिक्स हैं, तो इसलिए ऐसे ही हम ये वाली पे। तो अब हमें फ़ोटो फ्रेम बनाने के लिए वो फ़ोटो ले लेंगे और उसको पलट लेंगे। तो जो लॉन्ग वो हमने ली थी वो लेंगे, नहीं पलटेंगे नहीं, ऐसे सीधा करेंगे सॉरी, और यहाँ पर उसके ये लगा लेंगे फेविकोल। यहाँ पर जो छोटी वो साइज़ है उस पर छोटा और जो बड़ा है उस पर बड़ा वाली स्टिक्स लगाएंगे। ये छोटे वाली साइड है तो इस पर छोटी वाली स्टिक्स लगाने वाले हैं हम। ऐसे पेस्ट कर देते हैं ये वाली छोटी, ऐसे इस तो फ्रेंड्स आपने देख लिया जैसे कि मैंने फ़ोटो फ्रेम बना लिया है। और अगर आप ये फ़ोटो फ्रेम बनाना चाहते हो तो प्लीज़ बना लो, क्योंकि लॉकडाउन में और कुछ तो है नहीं हमारे पास करने के लिए, तो टाइम पास के लिए हमें कुछ क्रिएटिविटीज़ तो करनी होंगी। और आप ये अगर आपको मेरा ये फ़ोटो फ्रेम अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। और साथ ही आज मैं आपको बताने वाली हूँ, मतलब दिखाने वाली हूँ मेरे कुछ ओल्ड फ़ोटोज़, जो जब मैं छोटी थी तो मेरे कुछ फ़ोटोज़ हैं, तो वो आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको। तो ये देखो, ये है सबसे पहला फ़ोटो। ये आई थिंक इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे का है। ये देखिए, ये मैं तब हम दिल्ली रहते थे और तब का है ये। तो मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ, ये रहा नेक्स्ट, ये हूँ मैं, ये परी बनी हुई हूँ मैं इसमें। एक है ये, तो इसमें येरी मैं, रेड टॉप और येरी। ये मेरे बहुत पुराने फोटोज हैं जब मैं बहुत छोटी थी। और ये देखो येरी मैं, इसमें पता नहीं कुछ बनाया हुआ, आई थिंक जो कान्हा जी की मम्मा का क्या नाम था जब वो जेल में थे, तो मेरा याद नहीं आ रहा, अभी यशोदा या फिर कुछ वाल्मीकि पता नहीं कुछ था ऐसा, तो मुझे याद नहीं आ रहा, तब तो बनाई हुई थी मुझे। और ये भी सेम रिपब्लिक डे और 15 अगस्त का मीन्स इंडिपेंडेंस डे का ही फ़ोटो है। एंड ये है पिकॉक में बनी हुई उसमें, ये भी फ़ोटो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सारे फ़ोटोज़ ये वहीं के ही हैं। और ये है सेकेंड क्लास का मारो येरी सबसे आगे मैं। ये हम पिकनिक गए थे वहाँ पे, मीन्स जब मैं पिंजौर आ गई थी तो सेकेंड क्लास में, मैं डीएवी स्कूल में लगी थी, तो तब फर्स्ट पिकनिक थी मेरी। और ये है इसमें येरी मैं, येरी। और ये भी उसी दिन की है जो मैंने अभी बताई आपको, बस ये बिना जेल की है। एंड ये है, ये मैं परी बनी हुई हूँ उसमें, ये देखिए। और ये है इसमें मैं बनी हुई हूँ राधा।
ये है, ये मेरा और कृष्ण, कोई कृष्ण बना हुआ, अभी तो मेरे को याद भी नहीं है कि ये कौन बच्चे हैं और मैं बनी हूँ। इसमें राधा और ये नेक्स्ट ये है, ये मैं पिकॉक, ये लोटस, ये मैंगो और ये टाइगर। तो ये नेशनल एनिमल, फ्रूट, फ्लावर और ये बर्ड नेशनल, ये बने हुए हैं। और ये है इशू का, इशू और रूही इसमें दोनों हैं, मुझे भी नहीं पता। हाँ रूही तो येरी, ये रूही है, देखो ये रूही है और इशू येरी है, ये इशू है। एंड नेक्स्ट है ये मेरा है। जब मैं अपने हाउस की विवेक हाउस, हमारे स्कूल्स में 4 हाउसेज होते हैं, विवेक, अहिंसा, धर्मा एंड सत्या। तो ये देखो ये बनी हुई हूँ मैं, इसमें मीन्स मैं डिप्टी कैप्टन थी। और ये देखो ये है हमारे सारे कैप्टन स्कूल के, और ये प्रिंसिपल मैम, और ये स्कूल कैप्टन्स जो ब्लैक टी शर्ट में हैं। एंड इसमें देखो ये भी मेरी स्कूल की है, इसमें मैं शायद कोई स्पोर्ट्स गेम था कोई, हाँ मीन्स कंपटीशन था, स्पोर्ट कंपटीशन। तो उसमें मैं और मेरी फ्रेंड फर्स्ट आए थे, वैसे तो ये सभी मेरी फ्रेंड है, ये देखो ध्यान से, ये सभी मेरी फ्रेंड है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मैं फर्स्ट पोजीशन पे थी। और ये लास्ट फोटो ये है मेरी, मैं कोई स्पीच दे रही हूँ स्कूल में, कोई इंडिपेंडेंस या रिपब्लिक डे पे ही है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये मेरी जो ये फ़ोटोज़ हैं ये आपको कैसी लगी, और मैंने जो फ़ोटो फ्रेम बनाया वो कैसा लगा आपको। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड इस वीडियो को लाइक कर दे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।